बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेहमान मोहम्मद मौला अली कादरी। फिर एक नई वीडियो क्लिप के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं टीवी 36 न्यूज़ चैनल और हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ज़ियारत-ए-अउलिया। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको ज़ियारत कराने आए हैं सुबह आंध्र प्रदेश के मशहूर शहर विजयवाड़ा से तकरीबन 60 किलोमीटर पर आराम फरमाने वाले तरलापाड़ू के गाँव में जो है ना, यह हज़रत बंदगी मिया सैयद अबूबकर उर्फ बड़े मियाँ हज़रत साहेब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की आस्थानी के ज़ियारत कराने आए हैं। नाज़रीन इकराम, आप इसे ये व्यू से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा पानी का तालाब है और ये तालाब के दरमियान में हज़रत का जो है दरगाह शरीफ मौजूद है और ये रास्ता हज़रत की दरगाह शरीफ तक जाने का ये रास्ता है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से आखिर तक, जैसे हज़रत के तालुक से हमें सावन हयात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए नाज़रीन इकराम, नाज़रीन इकराम जैसा आपने सुनते हुए आए हैं कि हम तालाब के ऊपर एक छोटा पुल था और पुल पार होते हुए थोड़ा अंदर आने के बाद हम दरगाह शरीफ के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आप यहाँ ये दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, हम आपको अंदर भी इंशाल्लाह मज़ार पाक की भी ज़ियारत करेंगे। नाज़रीन इकराम, आप इस माहौल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हज़रत जो है 450 साल पहले जो है यहाँ पे आके जो है ना दीन का काम अंजाम दिए है। नाज़रीन इकराम, अभी ऐसा माहौल था, ऐसा उस ज़माने में कैसा माहौल होगा कि आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत इराक से, इराक के रहने वाले हैं। हज़रत हुजूर सुल्तान अलौलिया पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के हुकुम पर दीन की काम अंजाम देने हुए यहाँ आए हैं। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं यहाँ कैसा माहौल है, कैसा नज़ारा है। नाज़रीन इकराम, देखिए इस तालाब को के ज़माने में जो है यहाँ बहुत आबादी कम है कि उस ज़माने में कैसा रहेगा कि 450 साल अब यहाँ पे ऐसा माहौल होगा कि हर तरफ ही पानी ही पानी है। जैसा आप, आपको मालूम होगा मुंबई में हज़रत सैयदना हाजी अली रहमतुल्लाहि तआला का जो दरगाह शरीफ है समंदर के एकदम बीचों बीच, इसी तरह ये दरगाह शरीफ भी हर तरफ पानी है और बीच में दरगाह शरीफ है। उनके कर्म से मेरी पुरलुत्फ जिंदगी है, गुजरा हूँ मैं जिधर से इज्जत मुझे मिली है, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई है। मेरे काम आ गई, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई। आई हुई बला भी मेरे सर से टल गई, आई हुई बला भी मेरे सर से टल गई, आई हुई बला भी मेरे सर से टल गई, बदल गई मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई, मेरे पीर की गुलामी मेरे काम आ गई। शहदाई हूँ मैं उनका, उन्हीं का हूँ दीवाना, लबों पर मेरे मुर्शिद का फसाना है, मेरे लबों पर मेरे मुर्शिद। नाज़रीन इकराम, ये मक्का मदीना शरीफ हजरत बंदगी मियां सैयद अबूबकर बड़े मियां साहब रहमतुल्लाह तआला की ये मदीना शरीफ है। आप ज़ियारत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ज़ियारत कीजिए। नाज़रीन इकराम, हदीस शरीफ में है, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करना इबादत है, औलिया अल्लाह सालेहीन का जिक्र गुनाहों का गफारा है। नाज़रीन इकराम, हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह वालों की ज़ियारत कर रहे हैं और हमारे गुनाहों की
माफ़ी करा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वास्ता-ए-आलिया है जो हजरत 450 साल पहले ईरान से तशरीफ लाए हैं। ईरान से हुजूर सैयदना पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु तआला के हुक्म पर दीन की तबलीग करते हुए, दीन का काम अंजाम देते हुए हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अजमी शरीफ से होते हुए और दक्कन के इलाके से होते हुए इस सुबह आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से तकरीबन 7 किलोमीटर पर इस गांव में हजरत आराम फरमा रहे थे। नाज़रीन इकराम, आप ज़ियारत कीजिए। नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह वालों की बहुत बड़ी करामत है। हम आके यहाँ पर जो है ना, यहाँ के लोगों से जब बात कर रहे तो यहाँ के जो पहले ज़माने के जो लोग हैं ये अभी भी मौजूद है। उन लोगों का कहना ये है कि 450 साल से जो है ना यहाँ पर कितना बड़ा बारिश भी आने दो या जो है ना बहुत सारा पानी आने के बावजूद भी दरगाह शरीफ में ये ख़तरा पानी भी जो है ना अंदर नहीं आता, ये बहुत बड़े अल्लाह वालों की करामत है। नाज़रीन इकराम, अगर पानी अंदर आना ही था तो अतराफ पानी होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ हजरत की जो मज़ार पाक है उस मज़ार पाक को जो है जाने का रास्ता सिर्फ वो एक ही रास्ता खुला है और बाकी अतराफ पानी ही पानी है। नाज़रीन इकराम, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों की करामत है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आपको हर तरह का गंगा जमुना का तहज़ीब मिलता है। यहाँ पे हर एक मज़हब लोग आते हैं अपने मुरादे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वली से जो है ना वसीला पेश करके मुरादे पाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये था आज का हमारा वीडियो। आस्थाने का जो नाम है हज़रत बंदगी मिया उर्फ सैयद अबूबकर उर्फ बड़े मियाँ साहेब रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का वीडियो। हज़रत बंदगी मियाँ सैयद अबूबकर उर्फ बड़े मियाँ साहेब रहमतुल्लाह अलैह, ये जो दरगाह शरीफ है, फिर एक बार आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ, सुबह आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा से 60 किलोमीटर पर तोलापाड़ू इस गांव में ये हज़रत का मदार शरीफ जो है मौजूद है। और जब भी आपको इधर आना हुआ तो हज़रत की जो दरगाह शरीफ की ज़ियारत कीजिए और हज़रत के फैज़ान से मालामाल हो जाइए। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा अच्छा वीडियो। कैसा लगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजाइए। मैं मोहम्मद मौला अली कादरी इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।